हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप इन्हें जानते ही होंगे, दीपिका कक्कर। और ये जो इनका हेयर स्टाइल है, संगीत से इंस्पायर है और ये मुझे बहुत प्यारा लगा। अगर आप किसी की संगीत में जाना चाहते हैं, मेहंदी में जाना चाहते हैं, तो आप ये वाला हेयर स्टाइल करेंगे तो बहुत प्यारा लगेंगे। अगर आप खुद ब्राइड हैं तो आप तब भी आप पे ये हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हेयर को टेंगल फ्री करेंगे। उसके बाद जो हमारा बेसिक सेक्शन होता है, ईयर टू ईयर पार्टीशन हम कर लेंगे। हम पार्टीशन इसलिए करते हैं और सिक्योर उसको इसलिए करते हैं ताकि जो हम हेयर स्टाइल बनाए हमें ईजी रहे कि हमने इतने पार्टीशन करे हुए हैं, हमने कौन से पार्टीशन को कब वर्क में लाना है। तो अब यहाँ पर हमने जो सेकेंड पार्टीशन करेंगे वो हमने सी सेक्शन किया हुआ है। इसको पार्टीशन करने के बाद इसे हम सिक्योर कर लेंगे। जो रेस्ट अमाउंट है उसे हम कॉम्ब करेंगे, टेंगल फ्री करेंगे। अगर आपने पफ नहीं देना है तो आप ये सी सेक्शन वाला जो सा मतलब कि मैंने किया है, आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। आप बिल्कुल बिना पफ के भी करेंगे तब भी ये उतना ही प्यारा लगेगा लुक। तो हमने ये ऊपर हेयर सारे करे हैं, उसे टेंगल फ्री किया है और हम पार्टीशन करेंगे वन सेक्शन, एक एक सेक्शन लेंगे पतले पतले नीट। और ये बैक कॉमिंग करेंगे, जो हम बैक कॉमिंग करेंगे वो सिर्फ हम रूट पे करेंगे। तो इस तरह जितना भी हमारे पास सेक्शन है हमने बैक कॉमिंग करनी है। हमारी बैक कॉमिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब हम फ्रंट में देखें तो फ्रंट में नहीं आनी चाहिए बैक कॉमिंग, सिर्फ हमने जहाँ पे किया है बैक कॉमिंग वहीं पे होनी चाहिए। अगर आपके हेयर सिल्की हैं तो आप स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद क्या होगा, जो आपके सिल्की जो हेयर है उसमें बैक कॉमिंग टिक जाएगी। अब हमने बैक कॉमिंग कर ली है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ऊपर के हेयर हैं और जो रेस्ट नीचे के हेयर हैं उसको हमने बैक कॉम मतलब कि कॉम से क्या करना है, टेंगल फ्री करना है। कॉम सिर्फ आप ऊपर के तरफ ही दीजिएगा, कॉप को ज़्यादा अंदर मत कीजिएगा क्योंकि उससे क्या होगा हमारी बैक कॉमिंग खुल जाएगी। सिर्फ हमने ऊपर से नीट करना है और नीचे टेंगल फ्री करने हैं। तो इसको हम सिक्योर कर लेंगे हेयर पिन से, बॉबी पिन से। तो इसको सिक्योर करने के बाद क्या करेंगे, आपको जितनी हाइट चाहिए आप टेल कॉम से, उसकी जो पीछे टेल होती है आप उससे ऊपर कर सकते हैं जितना भी आपके चाहिए। मेरे को इतना बहुत इनफ था तो मैंने इतना ही रखा है। और इसे एक बार स्प्रे कर लेंगे, हम हेयर स्प्रे कर लेंगे और जितने भी हमारे छोटे हेयर होंगे वो सेट हो जाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल एक नीटनेस आ गई है। अब हम मैंने जो फ्रंट में सेक्शन किया था ईयर टू ईयर, हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास मांग टीका हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मांग टीका नहीं लगाना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हम संगीत में जा रहे हैं या मेहंदी उसमें जाने तो मांग टीका प्यारा लगता है, तो आपकी चॉइस है, लगा सकते हैं। तो हमने ये पार्टीशन दे दिए। अगर आप बीच का पार्टीशन करेंगे तब भी प्यारा लगेगा, आप साइड में करेंगे तब भी प्यारा लगेगा। तो ये जो हमारे रेस्ट अमाउंट साइड के थे हम इसे सिक्योर कर लेंगे। जब हमने ब्रेड बनानी है तो हमने यहीं से सेक्शंस लेने हैं। तो जो फ्रंट का है इस पर हम थोड़ा बैक कॉमिंग देंगे। बैक कॉमिंग से क्या होगा, ये थोड़ा बाउंस आएगा हमारे फ्रंट हेयर में तो देखने में अच्छा लगता है। और जो फ्रंट का सेक्शन है उस पर हम आराम से बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग ज़्यादा नहीं करनी, आगे की तरफ नहीं आनी चाहिए, सिर्फ पीछे हल्के आने चाहिए कि हल्का सा बाउंस आए। स्प्रे भी कर सकते हैं इसको सिक्योर करने के लिए। तो ऑलरेडी ज़्यादा पे नहीं, सिर्फ ये ऊपर जैसे बॉक्स सेक्शन होता है हमारे आईब्रो टू आईब्रो, सिर्फ हमने उतने सेक्शन में ही बैक कॉमिंग करनी है। तो ये हमारी बैक कॉमिंग हो गई है और इसको अच्छी तरह नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद आपके पास स्प्रे हो, आप स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेबी हेयर होते हैं, छोटे बहुत हेयर होते हैं, वो एकदम सेट हो जाएंगे। तो स्प्रे करने के बाद हम एक बार नीट करेंगे कॉम्ब से कि जितने भी हेयर है वो साथ में हो जाएं। और इसको हम सिक्योर कर लेंगे पिन से। और ये जो फ्रंट ईयर के पास के हेयर हैं इसको हम ब्रेड में साथ में लेंगे जब हम खजूरी चोटी करेंगे। जब हम खजूरी चोटी करेंगे तो हम यहाँ से भी लेयर लेंगे और जो हमने साइड से छोड़ा था वहाँ से भी, दोनों से इक्वल लेंगे। अगर आप पीछे ब्रेड बनाना चाहें आप पीछे भी कर सकते हैं। मैंने साइड में ब्रेड बनाई है कि एक साइड में ब्रेड ले। अगर आपके कम हेयर है ना तो आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपके पास कम हेयर है तो आप सेक्शंस हेयर आते हैं हेयर एक्सटेंशन सॉरी सेक्शन कह रही थी हेयर एक्सटेंशन आती है, आप वो लगा के भी ये अच्छी तरह कर सकते हैं, मतलब कि ये ब्रेड तो प्यारी लगेगी। तो अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये जो हमारी खजूरी चोटी होती है ये क्रॉस में आते हैं हेयर, ये मतलब कि राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में क्रॉस में आएगा और हम उसे पकड़ते मतलब कि सिक्योर कर लेंगे, होल्ड करेंगे। तो जैसे तीन चोटी हम बनाते हैं, हम तीन करते हैं, इसके अंदर दो सेक्शन होते हैं।
तो राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, ये क्रॉस में आप देख सकते हैं। इसको हम आराम से करेंगे। और अगर आपके बालों में टेंगल है तो प्लीज़ उसे कॉम कर लीजिएगा, और नीटनेस आनी चाहिए, जितनी नीटनेस आएगी उतना अच्छा लगेगा। तो आपको ये बिल्कुल आराम से करना है और ये पूरा अच्छी तरह हो जाएगा। उसके बाद हम इसे सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर आप किसी से भी कर सकते हैं, मैंने रबर बैंड लिए है, रबर बैंड से इसको सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद क्या है, जैसे आपके हेयर में मतलब कि वॉल्यूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने ब्रेड बनाई है, हम इसको थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, इसको थोड़ा पुल करेंगे ये साइड से, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। तो पुल करने से क्या होगा, इसमें थोड़ी हैवीनेस लगेगी और देखने में बहुत प्यारा लगता है कि हैवी चोटी बनी है हमारी। तो इसको हम पुल कर लेंगे। अगर आपके पास कोई भी एक्सेसरीज हो वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये रोज़ेस पड़े थे, वो लगा लिए। अगर आपने ये बीच में ब्रेड में भी अगर छोटे छोटे रोज़ेस होते हैं, आर्टिफिशियल मिलते हैं, वो आप लगा सकते हैं। ये मेरा फाइनल लुक है। आपको मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।